रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। उसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और इस पर काफ़ी विवाद भी और लोगों को काफ़ी गुस्सा भी है। जिस व्यक्ति ने यूरिनेट किया है उस व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट लगा है और उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 294 और 504 ऑफ IPC भी लगा है। SC ST एक्ट के बारे में फिर किसी एक वीडियो में बात करूँ क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। मैं यहाँ पर सेक्शन 294 और 504 के बारे में बात करने आया हूँ। सेक्शन 294 के अंदर जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड होती है, वो 3 महीने तक की हो सकती है, फाइन लग सकता है और ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। 504 के अंदर जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। एज अ लॉयर जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल कम्युनिटी का नहीं है या SC कम्युनिटी का नहीं है, और जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या आज के समय में अगर कोई ऐसी घटिया हरकत करता है तो क्या उस व्यक्ति की मैक्सिमम सज़ा सिर्फ 3 महीने या 2 साल ही होनी चाहिए? क्योंकि जो लॉज है ये आज से लगभग 150 साल पहले लिखे गए थे, तो क्या आज के समय के हिसाब से इन लॉज में अमेंडमेंट होनी ज़रूरी नहीं है? एज अ लॉयर मुझे फील होता है कि ऐसी घिनौनी कोई हरकत करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपका इस चीज़ पे क्या व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।